श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942, ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है सुबह 8:21 तक और उसके बाद नवमी तिथि। धनिष्ठा नक्षत्र है सुबह 8:30 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। मेष राशि वालों के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सारी घबराहट पैदा हो रही है और इसी वजह से ऐसा लगता है जैसे आप अपनी कोशिशों में भी कमी लाते चले जा रहे हैं। कोई भी स्थिति जो आपके भरोसे को गिराए वो ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज में आपका योगदान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पर लाभ को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है जैसे आमदनी भी कम हो रही है और बचत पर भी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही पर मन में घबराहट बहुत, इसलिए हर चीज में आपका अविश्वास उभरता हुआ नजर आ रहा है। अगर अपनी कोशिशें कम हो जाएंगी तो लोग भी आपसे उस रूप से नहीं जुड़ पाएंगे जितने की जरूरत। कर्क राशि वाले कुछ ज्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं और खुद को परेशान करते चले जा रहे हैं। इस चीज का बुरा असर दबाव के रूप में आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है और जब दबाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो छोटी परेशानियां भी बड़ी लगनी शुरू हो जाती हैं। सिंह राशि वालों की बात को लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे और इसी वजह से आपको रिश्तों को संभालने के लिए ज्यादा जूझना पड़े। ये हो सकता है कि आपको लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपनी आर्थिक स्थिति को योजनाबद्ध रूप से चलाना पड़े, तो बहुत सारे इस तरह के दबाव हो सकते हैं आपको। कन्या राशि वालों की कोशिशों में अगर कमी आएगी तो आप अपने लाभ को लेकर परेशान होते चले जाएंगे और इस चीज का बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। काम के प्रति अगर लगन कम हो जाए तो कुछ भी करना मुश्किल ही होता है। तुला राशि वालों ने रिश्तों को संभालने के लिए हर संभव प्रयास किया है पर आपको लगता है जैसे आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाया। चिंताएं भी इसी वजह से हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें उस रूप से पूरी नहीं हो पाई। वृश्चिक राशि वाले अपनों का हर तरह से ख्याल रख पा रहे हैं पर जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ है। चिंताओं की कोई एक वजह नहीं होती, जब भी चिंताएं बढ़ती हैं तो उसके कई सारे कारण बन जाते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये समय आपसे मेहनत करवा ही लेगा। धनु राशि वालों ने मेहनत के रास्ते पर चलने के प्रयास में अपनी कोशिशों को बढ़ाया और इसका अच्छा फल भी प्राप्त होना शुरू हो गया, पर आप इस बात को लेकर परेशान है कि लोग क्या सोचते हैं। ऐसा कोई भी विचार बनाने से कभी भी कुछ हासिल होता नहीं। लोगों की वजह से अगर आपका व्यवहार बिगड़ता चला जाए तो फिर ये आपकी गलती। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति ठीक है जिसे बढ़ावा भी दिया जा सकता है, पर सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि सही योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी। मकर राशि वाले ही समझ लें कि अगर खान पान से जुड़े अनुशासन में कमी आएगी तो उसका बुरा असर सेहत पर भी पड़ेगा और हो सकता है ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती चली जाएं। पर अगर कोई समस्या उभर ही रही है तो उसे नजरअंदाज करना ठीक। क्या करना चाहिए समय? आप अपनी ही धुन में बहुत सारे फैसले करते चले जा रहे हैं और उन फैसलों को बार बार बदलते भी चले जा रहे हैं। ऐसा करने से जिंदगी में अस्थिरता पैदा हो जाती है जिसे संभाले रखने की जरूरत। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि अगर इच्छाएं बढ़ेंगी तो गलती हो जाएगी और जब गलती हो जाए तो उसका बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ता चला जाएगा। अपनी ही गलतियों की वजह से रिश्तों में किसी भी तरह की कमी लाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि लोग आपसे जुड़ने का दिखावा कर रहे हैं जबकि कहीं ना कहीं छुपा हुआ नुकसान भी बना हुआ है। अगर रिश्तों में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आएगा तो अपने नुकसान को संभालना भी मुश्किल होता चला जाएगा। मीन राशि वाले लोगों को खुश रखने के प्रयास में बहुत ज्यादा उदारवादी होते चले जा रहे हैं और आपका अपना नुकसान हो रहा है। इस बात को भी आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। मुश्किल ये भी है कि अगर परेशानियों को समय रहते संभाला ना जाए तो वो बढ़ती ही चली जाती है। क्या करना चाहिए समय? किसी भी काम को या उससे जुड़े हुए किसी भी लाभ को बहुत व्यवहारिकता से समझने की कोशिश करनी है।